आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पितृ पक्ष की हम बात करते हैं। पितृ पक्ष के दौरान हमें बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, और खास करके जब पितृ पक्ष शुरू होता है तो कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसे माहौल बनना शुरू हो जाते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों की याद दिलाते हैं। 16 दिन तक चलने वाला पितृ पक्ष, आखिर ऐसा होता क्या है? क्या होता है उस समय? क्या पूर्वज आपके आपके पास, आपके इर्द गिर्द कहीं कुछ वाइब्रेशंस लेते हैं, कुछ ऐसे संकेत देते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटाते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपके पितर रुष्ट है या पितर माने हुए हैं, या पितर परेशान कर रहे हैं, या पितर आपको बहुत सारी खुशियां दे रहे हैं। सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं और जब रहते हैं सूर्य, यानी एक महीना तक सूर्य कन्या राशि में रहेंगे, तो जब कन्या राशि में सूर्य होते हैं तब ही पितृ पक्ष का समय शुरू होता है, और ये 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में ही रहेंगे। ग्रंथों में कहा गया है कि पितृ जब शुरू होता है, यानी पितृ पक्ष जब शुरू होता है, तो पितृ मृत्यु लोक से, यानी वैकुंठ से अपने वंशजों को देखने के लिए इस धरती पर आते हैं। वो आपकी हर मूवमेंट को नोट करते हैं, और साथ के साथ वो अपनी तृप्ति, अपनी शांति चाहते हैं। तो ब्रह्म भोजन करवाने से पितरों को शांति मिलती है, पूर्वजों को जो आपके बीच में नहीं है, पिंड दान से पूर्वजों को शांति मिलती है। अथर्व देव में कहा गया है कि सूर्य जब कन्या राशि में रहता है तो पितृ पक्ष शुरू होता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि कुछ खास चीजें होती हैं जो दान जरूर करनी चाहिए जिससे पितरों को शांति मिलती है। और यम स्मृति में भी कहा गया है, बताया गया है कि 16 दिनों तक पितरों के लिए कुछ खास दान करने चाहिए, कुछ खास पूजाएं करनी चाहिए। और तो और, पुराण की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण में भी ये कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनके निमित्त दान जरूर करना चाहिए, लेकिन घरों को साफ रखना चाहिए, अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए। आदर भावशाद मीन्स श्रद्धा, तो श्रद्धा के साथ आपको पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध करने चाहिए जिससे पितृ दोष से भी आपको कुंडली में मुक्ति मिलती है और आपके पितृ शांत होते हैं और आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं। मेरे YouTube चैनल पर सुबह 6 बजे की जो वीडियो हम डालेंगे, हर दिन आपको कुछ खास विशेष जानकारी दी जाएगी, और आपने पूरे 16 दिन तक सुबह 6 बजे की वीडियो जरूर देखनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होगी पितृ पक्ष को। हर एक खास इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी, जैसे पितरों का जब हम तर्पण करते हैं तो किन लोगों को करना चाहिए, श्राद्ध का अधिकार किन लोगों को है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो है कि श्राद्ध का अधिकार वाकई ही किन लोगों को होता है। तो दूसरी वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन ये वीडियो आपने सब लोगों तक जरूर पहुंचानी है। नमस्कार।